Hi kids, welcome back once again. Hope you all are fit, fine and healthy at your home. Are you fit, fine and healthy? Healthy ho na? Okay, तो आई होप कि आपने लास्ट क्लास में मैम ने जो आपको होमवर्क सेंड किया था वो आपने कंप्लीट किया है. किया आपने कंप्लीट? अच्छा टेल मी, मैम ने आपको क्या वर्क दिया था? मैम ने आपको रीडिंग बोला था, आपने रीडिंग की है? मैम ने आपको ये भी कहा था कि इफ़ यू विल डू रीडिंग मैम विल टेक योर डिक्टेशन टेस्ट. सो सून आई विल टेक योर डिक्टेशन टेस्ट, इज इट ओके? तो आज हम क्या करेंगे? आज हम फिर से रीडिंग करेंगे. रीडिंग आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है? आ रहा है इंटरेस्ट या नहीं आ रहा है? ओके, तो आज हमने रीडिंग करनी है. अब मैम ने आपको इतने सारे पेजेस की रीडिंग करा दी है कि आई एम श्योर कि अब आप परफेक्ट हो गए होंगे. परफेक्ट हो गए हो आप? जब भी आप फ्री होते हो ना तो आपको हिंदी और इंग्लिश इसमें से किसी भी सब्जेक्ट की रीडिंग करनी है. आप करते हो रीडिंग? आपको 24 आवर्स प्ले नहीं करना है? ओके, तो आज मैम आपको जो रीडिंग कराएंगी ना वो है पेज नंबर 29. सो नाउ हरी अप, पेज ओपन, पेज नंबर 29. आज हम 29 पेज नंबर की रीडिंग करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप मेरी हेल्प करेंगे. अब मैम आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगी. आज इस क्लास में आप मैम की हेल्प करेंगे. आप मैम की हेल्प करेंगे ना? सो नाउ ओपन पेज नंबर 29. आपको पता है मैम हमेशा फर्स्ट आ जाती है. मैम सबसे पहले अपना पेज ओपन कर लेती है. आप करते हो? आपने तो किया ही नहीं, लेकिन मैम ने तो आपसे पहले अपना पेज ओपन कर लिया है. तो अब आपको पेज नंबर 29 ओपन करना है. नाउ लुक हियर, और इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं जिसे आप पहले रीड कर चुके हैं. तो आज हम थोड़ा सा आपका टेस्ट भी लेंगे कि आपने लर्न किया था या नहीं किया था. आर यू टेलिंग अ लाई और नॉट? ओ चलो, नाउ लेट्स सी. नाउ विच लेटर इज, विच वर्ड इज दिस? दिस इज द. लैड हैज हिज रॉड. द लैड हैज हिज रॉड. द लैड, दिस इज लैड. This is rod. R or the rod. Lad, rod. Okay. So now the lad has his rod. He is by the big pit. हमने आपको बताया था ना big. It. He is by the big. Pit. So big. Look at this. This is small and this is big. This is big and this is pit. 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 इसमें e की sound आएगी. Pit. Okay. He is by the big pit. It is my pig. Top. Top is a toy. Top is a toy. Look at this. The upper top. Top is a toy. It is my pet top. Do you again? Remind it again. See it. Let the lad get his big bun. Okay, have you eaten bun? Look at this. Bun. It is in the pit. He can not get it. He can not get it. It is very easy. Now here are some side words. My, by, she. The sound of this is sh. She, her, is, his.
Okay? Now, again, sidewards. My. This is by. She. Her. Is and his. Is that okay? Now, you have to open page number 30. Look here. Divisal words building. And I'm sure कि आपने three letter words किए हैं ना, आपने learn भी किए हैं. मैम ने आपको कितने सारे assignments भी भेजे थे, तो I'm sure कि आपने three letter words को learn कर लिया. Now, you have to mention homework here and you have to learn these words. Okay? You have to learn A sounds letter words, फिर A, E, O and A. So, ma'am will take your dictation test very soon. तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको इन dictation words को घर पर prepare करना है, learn करना है. Learn करने के बाद आपकी मम्मा dictation words बोलेंगी आपको. आपको rough notebook में इसकी practice करनी है. Okay? तो ma'am जल्दी आएंगी और आपका डिक्टेशन टेस्ट लेंगी इसका. तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप ऐसे डिक्टेशन टेस्ट दे दोगे? नहीं ना. उसके लिए हम टेस्ट के लिए क्या करते हैं? पहले हमने प्रिपरेशन करनी होती है. तो वो कैसे करेंगे आप? जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो प्रिपेयर कैसे करोगे? तो आपको इन वर्ड्स को लर्न करना है. लर्न करने के बाद आपको इनको नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस करनी है. ओके? तो नाउ मैम इज गोइंग. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माई क्लासेस. आर यू एंजॉयिंग? Okay, so now I will meet you soon. Bye. God bless you all.